और देखिए एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर भाव उसमें लिखा, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूं। कहीं बैठे हैं पंकज जी राठौर? इटावा से आए हैं जो कहीं बैठे हों तो दोनों हाथ हिला सकते हैं अपने। श्री पंकज जी राठौर इटावा से। मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूं। गुरुदेव, 2016 से मैं परेशान हूं। मेरे 2016 से मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया। गुरुजी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है, 2016 से मैं परेशान हूं और ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, कुछ दिन के बाद में हमने जब 2016 में डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करवाने के बाद वापिस दोबारा से ब्रेन में ट्यूमर बन गया। आप लोग पत्र भी हमारे साथ में पढ़ सकते हो, टीवियों पर, मोबाइल पर, आस्था चैनल पर। 2016 में मैंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद कुछ दिनों के दोबारा ब्रेन में ट्यूमर बन गया। तो मैंने फिर गुरुजी दूसरा ऑपरेशन करवाया तो भी ब्रेन में ट्यूमर बनने लगा। फिर 2022 आ गया, मुझे मेरे मामा के लड़के ने आपके बारे में बताया कि सीहोर वाले पंडित जी की कथा आती है शिवपुराण, उसको सुनो। गुरुजी, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिवपुराण को सुना और मैंने विचार बनाया कि मैं भोले बाबा के दरबार में सीहोर भी आऊंगा और वहां का एक रुद्राक्ष, एक कंकर लेकर आऊंगा। मैं सीहोर पहुंच गया पत्नी के साथ, वहां से कंकर भी ले आया, रुद्राक्ष भी ले आया और कथा सुनते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो MRI कराई और उस MRI में मालूम पड़ा कि मेरा ट्यूमर बनना बंद हो गया, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। इसलिए बाबा को नमन करने आया हूं। ये शिव तत्व है।